ओके, तो वंस अगेन वी आर हियर एट द पोकेमोन डार्क राइजिंग 2, जहाँ पर पिछली बार हम लोगों ने जो है यहाँ पर द पावर ऑफ अ लाइट जियरनेस एंड उसे जो है यहाँ पर हरा दिया था। एंड फाइनली जो है हम लोगों को अपने टीम टास्क यानी कि फर्स्ट वन है हम लोगों को आरसीएस को फ्री करना, द सेकंड वन इज हमारे दोस्त को छुड़ाना, एंड थर्ड वन इज टू फाइंड द डारोजिस लोकेशन। ये तीन काम हमें फिलहाल के लिए करने हैं और वो धीरे धीरे करते चले जाएंगे। सो आज जो है हम लोग अभी फाइनली अल्फेम सिटी की तरफ आ चुके हैं। सो हमारा फर्स्ट टास्क है यहाँ के जिम लीडर को चैलेंज करना। ओ वेट, क्या हुआ? आई होप गेस सो कि जिम लीडर जो है यहाँ पर अपनी लोकेशन पर नहीं है। सो आई गेस कि उसे ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा अभी। यार ये जिम लीडर अपनी लोकेशन पर क्यों नहीं रहते ना, मुझे अब तक नहीं यहाँ पर इस गेम में समझ आ चुका है। अभी लास्ट टाइम भी मैंने जो है यहाँ पर जिम लीडर को ढूंढ कर निकाला था, अच्छी हुई थी कि वो स्टोरी से कनेक्टेड ही था एंड उस वजह से जो है वो हम लोगों को दिख गई, वरना तो यार ये लोग कहाँ पे भटक जाते। यार हम लोग क्यों ढूंढे यार तुम लोगों को, तुम लोग ओके मूव डिलीटर मूव ओके मूव रीलर्नर एंड मूव डिलीटर। मेरे पास हार्ड स्केल नहीं है वैसे भी, तो मैं कुछ कर नहीं सकता। तो ओके ये भी नहीं जाने दे रहा। ओ वेट 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 वेट, ये सरीना है क्या? नहीं जलाइस, तुमने तो डिस्ट्रॉय कर दिया था मेरी फैमिली को। इवन मो क्या जलाइस, कंट्रोल योरसेल्फ नाउ। नहीं माँ, आई एम नॉट ओके टेकिंग ऑर्डर्स फ्रॉम यू। मैंने यहाँ पर कभी नहीं लिए। ओ ये तो जलाइस की माँ है। योर एंगर शुड बी विद योरसेल्फ नॉट अदर्स। कैसे माँ, ये ट्रेनर जो है यहाँ पर उसने मेरे फादर को मारा है, तुम्हारे हस्बैंड को। मेरे क्या ट्रेन का सोल जो है यहाँ पर बिकम हो चुका है डार्कनेस से ऑन इट्स ओन फ्री विल। ट्रेनर ने जो है यहाँ पर ये चुना गया था, द वन हु हैज बीन सिलेक्टेड टू प्रिवेंट एनी फर्दर हार्म फ्रॉम दिस यूनिवर्स। कोई स्पेशल नहीं इस लड़के के बारे में, आई विल शो यू। ओके, सो ये एड्रिन की बेटी है क्या? ओ अब समझा मैं इसे। सो उसने शुरुआत करी है एरेस के साथ, तो हम लोग जो है वो यहाँ पर जाएंगे अर्थ क्वेक के साथ। यस, उसके फर्स्ट पोकेमोन को मैंने हरा दिया है। नेक्स्ट वन, ओके नेक्स्ट वन इज द एम्फोरोस। कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो एम्फोरोस भी डाउन हो चुका है। उसके थर्ड पोकेमोन को देख लेते हैं हम कौन होता है। नहीं स्विच करूंगा मैं, गुडरा है वैसे भी। अर्थक्वेक दे देते हैं, एक और अर्थक्वेक देना पड़ेगा एंड देन द बैटल विल बी डन एंड डस्टेड अगेंस्ट द गुडरा, दैट्स इट। तो तीन पोकेमोन तो हम लोगों ने ऑलरेडी उसके डाउन कर दिया है। देखते हैं फोर्थ वन कौन होता है। सवाइपर, ये सवाइपर के अगेंस्ट भी गार्चाओं पे अपना मदद करेगा। ये सवाइपर भी डाउन हो चुका है यहाँ पे। सो देखते हैं अभी नेक्स्ट अप कौन होता है। नेक्स्ट अप इज द नीडोक्वीन। यस नीडोक्वीन के अगेंस्ट चेंज करना बनता है। अभी निडोकिंग के अगेंस्ट यहाँ पर अभी हम लोग जो है वो सर्फ के साथ ही जाएंगे। ओके मेगा हॉर्न, यस अच्छा हुआ मिस हो गया, बट अपना सर्फ नहीं मिस होगा। ओ थोड़ा बहुत बचा यार, कोई बात नहीं, दो बार हिट दे पाएंगे क्या हम लोग? सर्फ एक और बार सर्फ दे देंगे एंड दैट्स इट। सो द निडोक्विन हैज बीन डाउन लेडीज एंड जेंटलमैन। सो देखते हैं अभी नेक्स्ट अप कौन होता है। ओ फेनिकेन, तो फेनिकेन के अगेंस्ट तो यार एक वो भी काफी है। इसने अपने फेनिकन को लेवल 86 तक लेकर गई है, बट इवॉल्व क्यों नहीं किया ना आज तक मुझे पता नहीं है। यस आज तक ये मिस्ट्री मुझे अनसॉल्व ही है, और अनसॉल्व भी रहने दो, क्या अपने को क्या करने का है भाई। ओके फाइनली जो है यहाँ पर मैंने जलाइस को हरा दिया है। I hate you. You hate yourself, Chalice. ओके 2480 हमारी टोटल अर्निंग हुई है। मेरा भाई तुम्हारी वजह से एक जब 8 साल का था तब मर गया था। He was practicing forbidden magic with my father, Adrian. One day, मैं और मेरा भाई आर्टिक मिरज में गए थे। He never come back out. He was trying to learn magic so that वो अपने लोगों की मदद कर सके। There's nothing wrong with that. Dear, please समझा करो। ऑल मैजिक जो है यहाँ पर इक्वल नहीं होता इक्विवेलेंट के लिए। एक्सचेंज इज इविल। देयर वाज नो कॉस्ट तुम्हारे भाई के मैजिक के लिए। ओके सो ड्रे कहाँ पर है? सो फुल मेटल अल्केमिस्ट रेफरेंस का। इजंट दैट अल्केमी एंड नॉट अ मैजिक? व्हाटएवर, आई डोंट इवन केयर। मे बी इफ यू वर बेटर मदर ही वुडंट बी डेड। एंड मे बी नहीं यहाँ पर स्क्रू डोर भी। जलाइस अंदर आ जाओ। ध्रुव प्लीज कम इन। ओके क्या हुआ? हेलो ध्रुव, हाउ डू यू नो माय नेम? मेरा नाम है एल्सिनिया, अल्सीना। मैं जो हूँ यहाँ पर ट्रू मास्टर हूँ फॉर्चून टेलर के लिए एंड मैं जिम लीडर हूँ अल्फेम सिटी की।
ओ सो मुझे जो है यहाँ पर लाया गया है, हम लोगों ने जो है यहाँ पर फ्रेगमेंट केस दिखा दिए हैं। एज द फ्यूचर प्रेडिक्टेड डारू जी जो है यहाँ पर शेडेड हो चुका है ओमनी मेगा स्टोन, और उसने जो है यहाँ पर डिफरेंट इंडिविजुअल्स को दिया हुआ है ये ओमिनी मेगा स्टोन क्या है? अ लार्ज स्टोन कैपेबल जो है वो मेगा इवोल्व करने के लिए टेनर के पोकेमोन विदाउट द नीड ऑफ द स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव बॉन्ड, इट इंस्टेड जो है वो नेगेटिव पावर यूज करता है और उनकी एनर्जी ट्रांसफर करता है पोकेमोन में, ये अच्छा नहीं है। यस, मुझे आरसीएस को फ्री करना है। आई शैल ग्रांट यू माई परमिशन टू द बॉय बाशो, द सील चेम्बर जो है वो लोकेटेड है उसके एंड पर, बट मुझे जो है यहाँ पर उस बैरियर को तुम्हें खोलना होगा। बट क्या तुम कर सकती हो ये? यस दारू जी जो है वो प्रिपेयर्ड है एंड वो आ रहा है हमारे पास, सो तुम जो हो यहाँ पर मुझे जिम में फेस करो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। यहाँ पर मैं एक बार बात कर लूँ क्या? यू नो दैट डे व्हेन मैं तुम्हें देखा था तुम्हारे दोस्तों के साथ मलाइस कैस्टल में इन कोरी रीजन, मुझे कोई आइडिया नहीं थी कि तुम मेरे डैड को रोकोगे। बट तुम तो बाहर से देख रही थी ना। वेल आई वॉच बट देन दैट गर्ल हु वाज ड्रैगन आई स्टोल शोड अप एंड आई हैव टू फ्ली फ्रॉम द सिचुएशन। ओह दैट एक्सप्लेन्स इट, बट आई एम सॉरी बाय द वे, आई डिडंट नो कि तुम्हारे डैड थे। सेव इट ड्रू, आई गेस कि तुम्हें ये लगने वाला है। आई स्टिल हैव अ लॉट टू लर्न। वन थिंग मैं तुम्हें बता सकती हूँ, यू मे बी दिस चूजन सेवियर ऑफ द वर्ल्ड बट तुम्हें काफी सारी चीजें नहीं आती टू फिक्स और प्रिवेंट फ्रॉम द हैपनिंग। नाउ प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। यस मुझे ऑलरेडी नो डैट, ऑल राइट गुड बाय जलाइस। तो मैं जो यहाँ पर ज़्यादा इसे परेशान नहीं करना चाहता, उसे अपने आप हील होने देते हैं, क्योंकि हम लोग ज़्यादा खड़े रहे तो उसे और गुस्सा आएगा, बिकॉज वी आर ऑफिशियली अनऑफिशियली कंप्लीट तो है हम लोगों ने यार, बट हम लोग अच्छे काम ही कर रहे थे, क्या पता अभी अच्छा काम करते करते ऐसे हो जाएगा, किसने सोचा था। खैर यहाँ पर अभी मैं जो हूँ वो सीधा चैलेंज करने के लिए जाने वाला हूँ, कह सकते हो कि इस रीजन की जिम लीडर को। ओके वेट, तो चलते हैं यहाँ पर सीधा हम लोग जिम लीडर को चैलेंज करने के लिए, भागते भागते जाना पड़ेगा। ऑल राइट, सो द एल्फेम सिटी पोकेमोन जिम लीडर एल्सिनिया, द सोर्स क्या है, द सोरेस ऑफ द एंटिंसमेंट। ओके वो फो ओके जैक कुद्रू, ओके शायद यहाँ पर ऑलरेडी, ओ यहाँ पर कोई ट्रेनर नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है हमारे लिए, बस रास्ता ढूंढ निकालना है यहाँ से उसकी तरफ पहुंचने के लिए। कहाँ से मिलेगा रास्ता यार, इतना ज्यादा बैरियर्स जो लगा कर रखे हैं। ये शायद ना कोगा से इंस्पायर्ड है क्या, ऐसे ही लगता है मुझे भी, कोगा से इंस्पायर्ड है ये जिम लीडर। ये देखो ना पहुंच भी गए हम लोग, कोगा की टेक्निक इस्तेमाल की और हम लोग पहुंच गए। ओके सो लेट्स सी, तुम जो है यहाँ पर मुझे चैलेंज करने के लिए आए हो द चूजन वन। सो मैंने जो है यहाँ पर इस सीडी से सुना है कि आप पावरफुल ट्रेनर हैं एज दे कम, सो यस अल्सिनिया मैं तुम्हें यहाँ पे चैलेंज करने के लिए आया हूँ। आई सी वेरी वेल बट मैं नहीं हारूंगी। ऑल राइट, हियर वी गो लेडीज एंड जेंटलमैन, थ्रू द गेमर वर्सेस द लीडर अल्सिनिया, अल्सीना, अल्सीना बोल सकते हो, और अल्सीनिया बोल रहा हूँ मैं, कब से माफ करना। अल्सीना जो है यहाँ पर इस जिम लीडर का नाम है, उसने शुरुआत करी है गलेड के साथ, तो मैं जाने वाला हूँ यहाँ पर। ओके तो जी हाँ, अर्थक्वेक का इस्तेमाल कर देते हैं। ओके सो उसने शुरुआत करी है बल्कअप के साथ। ओके तो अभी हम लोग जो है वो अर्थक्वेक दे देते हैं, दैट्स इट, सो द गलेड हैज बीन डाउन। नेक्स्ट अप इज द गार्डिवोर, ऑल राइट ओके, एक और अर्थक्वेक दे दिया है मैंने। ओ अर्थक्वेक से यहां पर मुझे लगता है कि ये बैटल की ना की है जीतने के लिए। यस गार्डिवर को भी यहां पर मैंने हरा दिया है, देखते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप कौन होता है। सिग्निफाई, ओके सिग्निफाई के खिलाफ हम लोग एम्फी को बुला लेते हैं इस बैटल को कंप्लीट करने के लिए।
ओके, तो कल ना मैं आप लोगों को थोड़ी सी अनाउंसमेंट देना चाहता हूँ, क्योंकि कल यहाँ पर दशहरा है ना, तो शायद से वीडियो लाने के थोड़े से चांसेस बहुत कम है यार। हाँ यस, फिर क्योंकि घर पे भी सब लोग रहेंगे तो शूट करने भी नहीं मिलेगा, शायद मंडे को भी वीडियो ना आ पाए। आई डोंट नो, स्टिल मैं कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि अभी मुझे निकलना भी है, तो मैं वरना मैं एक्स्ट्रा एपिसोड शूट करके रख देता था, बट टाइम नहीं है ना इस वजह से। देखते हैं यार, हो सके तो कर दूंगा, अगर नहीं हो पाया तो फिर शायद आप लोगों को थोड़ा बहुत गैप देखने मिल सकता है फिर से। यस, ज्यादा जो ज्यादा लंबा नहीं जाएगा, तो जी हाँ, हम लोगों ने इसे भी हरा दिया है। सो देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट अप इज द एस्पियन। एस्पियन के अगेंस्ट में जो हूँ यहाँ पर चैम को वापस से बुलाना चाहता हूँ, एंड वी विल यूज दिस शैडो क्लॉ टू टेक डाउन हिम। ओके, अच्छा खासा, ओ प्यार में गिरा दिया यार, शानी है, बट कोई बात नहीं, यहाँ पर अपना प्यार में गिर पर भी यार इम्बोलाइज मत हो, कोई बात नहीं, वेपोरियन को बुला लेते हैं एंड सर्फ दे देते हैं सीधा, दैट्स इट। तो जी हाँ, अभी नेक्स्ट अप देख लेते हैं कौन है उसका लास्ट पोकेमोन है वैसे भी। ओ डेलफॉक्स है, कोई बात नहीं, लास्ट पोकेमोन है उसका। ये जिम बैच भले ही यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट थी, बट हम लोगों ने जो है यहाँ पर इस जिम बैच को कह सकते हो कि आसानी से, बट आसानी से नहीं, सिंपल तरीके से जो है यहाँ पर हम लोग ऑप्टेन कर लेंगे इस जिम बैच को। यस, सिंपल तरीके से कर लेंगे। मैं बोल तो रहा था सिंपल तरीके से, बट अभी ऐसे लग रहा है कि थोड़ा बहुत जाएगा टाइम। फ्लेम थ्रोवर दे देते हैं, नहीं यार फ्लेम थ्रोवर नहीं, सीधा ब्रेवबर्ड के साथ ही जाना पड़ेगा। ओके, ये भी डाउन हो गया। एम्फी आ जा, रिवाइव करने पड़ेगी अभी अपने। यस, रिवाइव करने का वक्त आ चुका है, चैम को बुला लेते हैं वापस से। आ जा चैम एंड दे दे अर्थक्वेक। अरे भाई ये चल क्या रहा है, वेपोरियन तुझे ही बुलाना पड़ेगा भाई। देखो ना यार, क्या चल क्या रहा है यहाँ पे, मैं ऐसे ही हल्के में ले रहा था ये बैटल, बट इसके डेलफॉक्स से यार, मतलब कि जो जो पोकेमोन को मुझे हल्के में लेना चाहिए, वो मैंने कह सकते हो कि उसने मुझे इतना ज्यादा डैमेज पहुंचाया। खैर, यहाँ पर हम लोगों ने सक्सेसफुली यहाँ पर डेलफॉक्स को हरा दिया है, एंड इसी के साथ हम लोगों ने हरा दिया है लीडर अल्सीना को। इट सीम्स कि तुम विनर हो ध्रुव, तुम जो है यहाँ पर वो अथी हो मैजिक बैच के। ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव ऑफिशियली ऑब्टेन इस ओमनी रीजन का 7th जिम बैच। इसी के साथ हम लोग को बस एक ही जिम बैच ऑब्टेन करना है। स्ट्रॉन्ग कि तुम हो, मुझे अभी डर नहीं है कि हारने का। तुम जो है यहाँ पर डरो जिसको हरा सकते हो। आई वॉन्ट यू टू हैव दिस। सो TM29 आई गेस सो कि साइकिक है। यस, मुझे लगा ये था। मैं जो इसका इस्तेमाल जरूर करूंगा, मेरे पास है ऑलरेडी, आई नो तुम करोगे। गुड बाय। बट जाने का रास्ता तो खोल देती मेरी माँ। कहाँ से जाए अभी, यस ऐसे ही जाना पड़ेगा। सो जी हाँ गाइज, यार फाइनली ये शॉर्ट एंड सिंपल, यार ये पहली बार शॉर्ट एंड सिंपल बोल रहा हूँ मैं, इस वीडियो को एंड करने का वक्त आ चुका है। एंड मैंने बोला ना आप लोगों को, आई विल नॉट गारंटी कि कल एपिसोड आएगा कि नहीं, बट होपफुली आएगा तो जरूर आएगा। यस, 12 बजे अगर नहीं आया तो समझिएगा कि नहीं आ पाएगा। देखते यार, क्योंकि हैप्पी दशहरा टू एवरीवन कह सकते हो कि एडवांस में, क्योंकि मैं घर पे नहीं रहने वाला हूँ दिन भर, इस वजह से एपिसोड लाने की थोड़ी सी मुश्किली है। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए गाइज यार गुड बाय।